जय हिंद ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. सो टुडे अगेन वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक ऑफ न्यूरॉन बिकॉज आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. तो थोड़ा सा हम डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूरॉन के बारे में. पिछले टॉपिक में भी हमने डिस्कस करा था न्यूरॉन के बारे में. ठीक है, न्यूरॉन के बारे में देर आर थ्री डिफरेंट पार्ट्स इन ए न्यूरॉन. ठीक है, अलग अलग उसमें पार्ट्स मैंने आपको बताए थे. पहला क्या था उसमें, सेल बॉडी. ठीक है, सेल बॉडी. फिर और क्या बताया था उसमें, सेल बॉडी और साइटॉन. ठीक है, फिर एग्जॉन और एक नर्व एंडिंग्स. आज हम थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे भी न्यूरॉन में क्या क्या और चीज़ और देखने को मिल सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन. हेयर यू विल सी दिस पार्ट, दिस इज द डेंड्राइट. ठीक है, ये पार्ट कौन सा, यहाँ पर डेंड्राइट है. ठीक है, डेंड्राइट. तो डेंड्राइट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन. राइट, दिस इज द न्यूक्लियस. यू आर एबल टू सी इट क्लियरली. एंड सम एक्स्ट्रा पार्ट आई विल शो यू हेयर. दीज आर द निसल ग्रेन्यूल्स. हेयर इन दिस डायग्राम यू विल सी इट क्लियरली. निसल ग्रेन्यूल्स, निसल ग्रेन्यूल्स, दे आर फाउंड बाय द ब्रेकिंग ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो यहाँ पर जो निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं वो किसके ब्रेकडाउन से बनेंगे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रेकडाउन से. क्लियर. नेक्स्ट यू आर एबल टू सी हियर, दिस इज द एग्जॉन हिलॉक. ठीक है, जो एग्जॉन हिलॉक जो इसकी ये गर्दन सी जो दिख रही है. ठीक है, नेक पोर्शन जो दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है यहाँ पर, एग्जॉन हिलॉक. एग्जॉन हिलॉक. देन दिस इज योर एग्जॉन पार्ट. राइट, एग्जॉन पार्ट यू आर एबल टू सी इट क्लियरली. एग्जॉन पार्ट. राइट, एग्जॉन पार्ट में क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है. यहाँ पर एग्जॉन पार्ट में ये है माइलिन शीथ. ठीक है, ये माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ हो गई, ये माइलिन शीथ हो गई. ठीक, और ये क्या है, यहाँ पर बीच बीच में यहाँ पर गैप है. इस गैप को क्या कहते हैं हम लोग, नोड्स ऑफ रेनवियर. ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवियर. हेयर द माइलिन शीथ इज एबसेंट. यहाँ पर क्या होगा, माइलिन शीथ क्या होगी, एबसेंट होगी. फिर स्वान सेल. ठीक है ना, स्वान सेल. ये स्वान सेल किसको बना रही है, ये माइलिन शीथ को बना रही है. ठीक है, माइलिन शीथ को बनाने वाली जो सेल है वो कौन सी है, स्वान सेल है. ठीक है, स्वान सेल है. फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जॉन टर्मिनल है. क्या है यहाँ पर, एग्जॉन टर्मिनल. क्या है यहाँ पर, एग्जॉन टर्मिनल. ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल डायग्राम देख रहे हैं. यहाँ पर डेंड्राइट्स. ठीक है, डेंड्राइट्स हैं. फिर उसके बाद में ये देख सकते हैं न्यूक्लियस, सेल बॉडी और साइटॉन, निसल ग्रेन्यूल्स. ठीक है, निसल ग्रेन्यूल्स. फिर उसके बाद में एग्जॉन हिलॉक पार्ट है. फिर एग्जॉन है. ठीक है, एग्जॉन में भी यहाँ पर जंग ये है, गैप है. गैप को क्या कहते हैं हम लोग, नोड्स ऑफ रेनवियर. ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवियर वो जगह है जहाँ पर माइलिन शीट एबसेंट होगी. ठीक, फिर इसके अलावा और क्या है यहाँ पर, स्वान सेल है. माइलिन शीट को बनाने वाली जो सेल है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्वान सेल कहते हैं. फिर एग्जॉन टर्मिनल. ठीक है ना, एग्जॉन टर्मिनल हमें देखने मिल रहा है. फिर इसके अलावा क्या है यहाँ पर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स. तीन मेजर पार्ट हैं यहाँ पर, सेल बॉडी और साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड देन द एग्जॉन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देर आर थ्री मेजर पार्ट्स विच इंक्लूड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी और साइटॉन, डेंड्राइट्स एंड द एग्जॉन. क्लियर. सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म. सेल बॉडी के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा विद टिपिकल सेल ग्रेन्यूल्स एंड सर्टेन निसल ग्रेन्यूल्स. तो यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म के पास क्या है, कुछ सेल के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं. और क्या है यहाँ पर, निसल ग्रेन्यूल्स हैं. और निसल ग्रेन्यूल्स किससे बन रहे थे, वो दीज आर फाउंड बाय द फ्रेगमेंट्स. ठीक है, किससे बनेंगे, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स से. ठीक है, इसीलिए उसको ग्रेन्युलर बॉडीज कह रहे हैं. ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेन्युलर बॉडीज कहते हैं. तो ये जो निसल ग्रेन्यूल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, निसल ग्रेन्यूल्स. ठीक है, निसल ग्रेन्यूल्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी एक्सेप्ट फॉर द रीजन क्लोज टू द एग्जॉन कॉल्ड एग्जॉन हिलॉक.
ठीक। तो निसल ग्रेन्यूल्स क्या लिखा है यहाँ पर, निसल ग्रेन्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूल्स दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एक्सेप्ट फॉर द रीजन क्लोज टू द एक्सॉन कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक्सॉन हिलॉक है, ये यहाँ पर यहीं पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यहीं पर ही, यहाँ पर ये एबसेंट है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है ये, एक्सेप्ट फॉर द रीजन क्लोज टू द एक्सॉन कॉल्ड द एक्सॉन हिलॉक। अब एक्सॉन क्या है, एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांचड। एक्सॉन क्या है, एक लॉन्ग फाइबर है, लॉन्ग फाइबर जिसका डिस्टल दूर वाला हिस्सा कैसा है, ये ब्रांचड है, ठीक है। एक्सॉन इज ए लॉन्ग फाइबर द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांचड। फिर ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्टिक नॉब। ठीक, तो ये इन्होंने क्या बताया यहाँ पर, हर एक ब्रांच कहाँ टर्मिनेट हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पर ख़त्म हो रही है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिनेप्टिक नॉब। तो यहाँ पर हम सिनेप्टिक नॉब देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होगा, सिनेप्टिक नॉब। फिर ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सिनेप्टिक नॉब विच पजेस सिनेप्टिक वेसाइकल्स। सिनेप्टिक नॉब के पास क्या प्रेजेंट होंगी, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, क्या प्रेजेंट होंगी, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, वेसाइकल्स का मतलब थैलियाँ, ठीक है, वेसाइकल्स का मतलब थैलियाँ जो प्रेजेंट होंगी, कंटेनिंग केमिकल्स, ठीक है, उसके अंदर केमिकल भरा होगा, उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या कहते हैं हम लोग उसको, न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पर, सिनेप्स क्या होता है, द पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरोन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरोन इज कॉल्ड द सिनेप्स। यानी कि वो हिस्सा कहाँ किसके बीच में, द पॉइंट कॉन्टैक्ट बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरोन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरोन इज कॉल्ड द सिनेप्स, ठीक है, सिनेप्स का। फिर तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर होगा इनके अंदर, सिनेप्टिक वेसाइकल्स जो थैलियाँ इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या प्रेजेंट, तो न्यूरो ट्रांसमीटर का एग्जांपल हो गया एसिटाइल कोलीन, ठीक है, क्या एग्जांपल हो गया, एसिटाइल कोलीन, डोपामिन, ठीक है, और भी हैं इसमें लेकिन मेन क्या है यहाँ पर, एसिटाइल कोलीन। फिर एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन क्या ट्रांसमिट कर रहा है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, किससे, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए सिनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो एक्सॉन क्या ट्रांसमिट कर रहा है, नर्व इम्पल्स को वो ट्रांसमिट कर रहा है, कहाँ से, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है, अवे किससे, सेल बॉडी से दूर ले जाकर, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू ए सिनेप्स और टू ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अगर उसकी कनेक्टिविटी मस्कुलर के साथ में है तो क्या मीन, क्या नेम आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, समझ में आई बात आपको। फिर इसके अलावा देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, दो तरह के एक्सॉन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, दो तरह के एक्सॉन हम लोग पढ़ते हैं, पहला माइलिनेटेड और दूसरा कौन सा है वो, नॉन माइलिनेटेड, पहला माइलिनेटेड और दूसरा कौन सा है, नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड भी कहते हैं। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर एनवेलप्ड विद द स्वान सेल्स, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा उसके ऊपर किसकी एनवेलप होगी, स्वान सेल्स की, विच फॉर्म ए माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन, जो कि एक्सॉन की तरफ क्या बना लेगा, एक माइलिन शीट को बना लेगा। जैसे मान लीजिए ये एक्सॉन है, ठीक है, ये एक्सॉन है, ये देखिए आप, ये क्या कर दिया, इसके ऊपर रैप कर दिया, ठीक है, ये रैप कर दिया स्वान सेल को, ये कैसे होगी, ये माइलिन शीट हो गई। फिर अब इसके बीच में क्या है यहाँ पर, ये गैप्स हैं, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ठीक है, ये गैप दिख रहा है आपको,
ये गैप हो गया, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं इसको। द गैप बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक, जो गैप होगा किसके बीच में, दो एडजेसेंट माइलिन शीट के बीच में, ठीक है, जैसे ये हो गया माइलिन शीट, फिर ये गैप, फिर माइलिन शीट हो गई। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीट आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर, क्लियर। देन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो नर्व कहाँ पर प्रेजेंट होगा, वो स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड क्रेनियल नर्व्स। फिर नॉन माइलिनेटेड, ठीक है, नॉन माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड, इज एनक्लोज्ड बाय स्वान सेल्स, ठीक है, स्वान सेल्स वहाँ भी प्रेजेंट होंगी, दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीथ, लेकिन माइलिन शीथ को वो नहीं बनाएंगी, अराउंड द एक्सॉन एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। और वो कहाँ देखने को मिलेंगी हमें, ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलेंगी, क्लियर। तो अभी तक हमने यहाँ पर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखा, ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने समझा, जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो कहाँ आएगी, डेंड्राइट्स पर आएगी, ठीक है, द डेंड्राइट्स विल रिसीव द इन्फॉर्मेशन एंड इट विल गोज, ठीक है, इट विल गोज टू द सेल बॉडी एंड फ्रॉम द सेल बॉडी इट विल गोज टू द एक्सॉन एंड फ्रॉम द एक्सॉन इट विल गोज टू द नर्व एंडिंग्स एक्सॉन, ठीक है, ये जो एंडिंग्स हैं। फिर जो दूसरा न्यूरॉन होगा, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट वाला पार्ट, समझ की बात, ये एक्सॉन है, इसके बीच में गैप होगा, ठीक है, गैप होगा यहाँ पर, फिर दूसरा क्या स्टार्ट होगा यहाँ पर, दूसरे वाला जो डेंड्राइट होगा, ठीक है, जो डेंड्राइट होगा, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो कैरी होती है, इसी तरीके से क्या होगी, वो कैरी करती है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, डेंड्राइट्स पर, डेंड्राइट से कहाँ गई, वो सेल बॉडी पर, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में, एक्सॉन से फिर नर्व एंडिंग्स में, फिर सिनेप्स, फिर उसके बाद डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। समझ में, आई होप नाउ इट इज क्लियर, दिस इज हाउ द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड, इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो गया, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर अगर हम इस फिगर को देखें, यहाँ पर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखें, तो आपको किसमें क्या, पहला इसमें क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन वेयर द इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, कौन सा पार्ट है जहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड हुई है, द इन्फॉर्मेशन विल एक्वायर्ड एट द डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स। फिर थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कहाँ ट्रेवल हो रही है, वो एक्सॉन में, ठीक है, एक्सॉन में। फिर वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू ए केमिकल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, हेयर नर्व एंडिंग्स और एक्सॉन टर्मिनल, क्लियर। तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, ठीक है, एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि भाई वो कौन सा पार्ट है, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है, वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड हुई है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड हुई है। सेकेंड, द पार्ट थ्रू विच द इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नेक्स्ट, वेयर दिस इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इंटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये जो है, यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब है, सिनेप्टिक नॉब में क्या होंगे, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, सिनेप्टिक वेसाइकल्स का मतलब जो थैलियाँ होंगी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्या प्रेजेंट होगा, न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होगा। और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है यहाँ पर, जो कि एक केमिकल है, ठीक है, केमिकल है इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करवाने के लिए, ठीक। तो कौन सा केमिकल है यहाँ पर, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये किताब में नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन, क्लियर, एसिटाइल कोलिन। आई होप नाउ द डायग्राम, ठीक है, डायग्राम इज क्लियर, ठीक है, डायग्राम इज क्लियर कि भाई इसमें क्या क्या है, डेंड्राइट्स है जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, फिर
न्यूक्लियस है, उसके अलावा सेल बॉडी साइटोन वाला पार्ट है, और क्या है यहाँ पर निसल ग्रेन्यूल्स हैं, किससे बन रहे हैं वो, ब्रेकडाउन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रेकडाउन से। फिर एक्सॉन हिलॉक वाला पार्ट है, एक्सॉन हिलॉक का मतलब क्या हुआ, जो उसका नेक वाला पार्ट है, फिर ये एक्सॉन वाला पार्ट है, ठीक है, एक्सॉन वाला पार्ट है, तो ये एक्सॉन जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगी। फिर यहाँ पर माइलिन शीथ है, ठीक है, माइलिन शीथ है इसके अराउंड, एक तरीके से एक कवर सा है, ठीक है ना, कवर किसका बना होगा माइलिन शीथ में, स्वान सेल का कवर है, ठीक है, स्वान सेल का। फिर जगह जगह पर ये गैप है, जगह जगह पर ये गैप है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, और यहाँ पर माइलिन शीथ एब्सेंट होगी। फिर एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल में क्या होगा, सिनेप्टिक नॉब होंगे, सिनेप्टिक नॉब में क्या है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स, और सिनेप्टिक वेसाइकल्स में क्या होंगे, कुछ केमिकल्स होंगे, वो केमिकल कौन से हैं, वो न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक, कौन से हैं वो, न्यूरो ट्रांसमीटर, क्लियर। फिर इसके अलावा एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, एनसीईआरटी का भी एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम लोग, जो दिखा रखा है ये, इसमें इतना डिटेल नहीं है, ठीक है, इसमें डिटेल नहीं है, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कहाँ एक्वायर्ड होगी डेंड्राइट पर। फिर एक्सॉन वाला पार्ट है, एक्सॉन वाला पार्ट, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वाला, ये माइलिन शीथ है, ये गैप है यहाँ पर, ये गैप है, ये गैप है, ये कौन सा वाला पार्ट बताया था मैंने, नोड्स ऑफ रेनवियर, ये देखिए ये है नॉब, ठीक है, नर्व एंडिंग्स है, ये सिनेप्टिक नॉब है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सिनेप्टिक वेसाइकल्स। फिर पी पार्ट, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, कौन सा पार्ट है ये, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब इसमें देखिए ये एक्सॉन वाला पार्ट है, अब ये है मसल फाइबर, ये है ब्लड कैपिलरी, तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये किससे कांटेक्ट हुआ, ये ब्लड वेसल्स के साथ, मसल फाइबर के साथ कांटेक्ट हुआ, तो इसको क्या कह दिया हमने, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। आई होप नाउ द टॉपिक इज क्लियर।